रिटायरमेंट का मतलब ये है कि अगर एक पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है बिटवीन ए बी एंड सी, सो वी आर सेइंग दैट इन अ पार्टनरशिप देर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी, एंड फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर सी वॉन्ट्स टू टेक एन एग्जिट फ्रॉम द फर्म। सी बोलता है ए और बी को कि मुझे आपके साथ काम नहीं करना, या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी रीजन हो सकते हैं जिसके कारण सी चाहता है कि वो इस पार्टनरशिप में से बाहर निकल जाए, यहां से एग्जिट ले ले, जिसको हम यहां बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो अगर सी पार्टनर पार्टनरशिप ऑफ ए बी सी में से रिटायर हो जाता है, एग्जिट ले लेता है या निकल जाता है, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, एक बाद में जाके इसी चैप्टर में हम सीखेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ का मतलब क्या होगा कि सी की अगर डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ए बी सी की पार्टनरशिप में से सी रिटायर हो जाता है बिकॉज ऑफ डेथ। तो अगर सी वॉलेंटरिली बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट, और अगर सी की डेथ हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर या कंपल्सरी रिटायरमेंट ड्यू टू डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब क्या सी अपनी मर्जी से बिजनेस से बाहर निकल सकता है? वो मान लो मंडे को आके कहता है ए और बी को कि मैं बिजनेस में से बाहर निकलना चाहता हूं, मुझे बाहर निकाल दो या मैं कल से नहीं आऊंगा, क्या वो ऐसा बोल सकता है? बोल तो सकता है, पर सी बिना ए और बी के माने या बिना ए और बी के म्यूचुअल कंसेंट के सी एग्जिट नहीं ले सकता। यानी कि सी को अगर एग्जिट लेनी है तो पहले उसको ए और बी को मनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्यों वो एग्जिट लेना चाहता है, और वेन ए बी सी ऑल एग्री देन ओनली सी कैन टेक एन एग्जिट। ठीक है, सो ये तो एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। इसी में एक और चीज सीखते हैं कि जब सी बिजनेस में से एग्जिट ले लेता है, जब सी पार्टनरशिप में से रिटायर हो जाता है, तो सी हर वो राइट लूज कर देगा, हर वो राइट खो देगा जो एक पार्टनर के पास होती थी। और पार्टनर के पास क्या राइट होती थी? पार्टनर के पास राइट होती थी बिजनेस को चलाने की, पार्टनर के पास पास राइट होती थी डिसीजन मेकिंग की, पार्टनर के पास राइट होती थी राइट इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। यानी कि कोई भी अगर एसेट बिजनेस का है तो उसमें पार्टनर का भी उतना हिस्सा होता है जितनी उसकी शेयरिंग रेशियो होती है। एंड लास्ट ऑफ कोर्स पार्टनर की जो राइट होती है टू शेयर द प्रॉफिट्स इन दैट रेशियो, वो भी सी खो देगा जब पार्टनरशिप में से वो एग्जिट ले लेगा। सो सी के पार्टनरशिप में से निकलने से पार्टनरशिप में से पार्टनर की जो राइट है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि सी विल सीज टू बी अ पार्टनर, सी पार्टनर नहीं रहेगा। अब इसका इफेक्ट ये होता है, इसके दो इफेक्ट होंगे इनफैक्ट, कि जब सी की एग्जिट होगी तो देयर विल बी टू इफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट इज द ओल्ड पार्टनरशिप बिटवीन ए बी एंड सी, ये जो पुरानी पार्टनरशिप थी ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ये पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। क्लियर है? जो पुराना रिश्ता था ए बी सी का आपस में पार्टनरशिप का, वो रिश्ता वो नाते खत्म हो जाएंगे, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी व्हेन सी टेक्स एन एग्जिट। एंड द सेकेंड इफेक्ट इज अ न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि एक न्यू पार्टनरशिप क्रिएट हो जाएगी ए और बी के बीच में। बिकॉज ए एंड बी थोड़ी बिजनेस में से बाहर निकल गए, बिजनेस तो चल रहा है, सिर्फ कौन निकला है? सी निकला है। तो सी के निकल जाने से जो पुरानी रिलेशनशिप थी ए बी सी की वो तो खत्म हो जाएगी, पर उसके खत्म होने के साथ साथ ए और बी के बीच में एक न्यू पार्टनरशिप फिर से स्टार्ट होगी। एंड उसको स्टार्ट करने के लिए दे कैन अगेन मेक अ न्यू पार्टनरशिप डीड, और पुरानी पार्टनरशिप डीड को वो कैंसिल कर सकते हैं। सो ये तो हो गया थ्रेटिकल पार्ट। रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल पार्ट जो हम लोगों को सीखना है, उसमें बड़ा एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं हम, कि मान लेते हैं एक पार्टनरशिप थी जिसमें पार्टनर ए बी और सी थे, एंड ए बी सी मान लेते हैं इक्वल पार्टनर्स थे 1:1:1 की रेशो में। ठीक है, सो देर इज एन ओल्ड पार्टनरशिप बिटवीन ए बी सी, ऑल आर इक्वल पार्टनर्स, एंड लेट से ये इतना प्रॉफिट उन्होंने पूरे साल में कमाया। तो जब पुराने पार्टनर्स थे तो होता ये था कि जो प्रॉफिट होते थे वो ए बी और सी को इक्वली डिवाइड हो जाते थे, ऐसे ही होता था। ठीक, पर व्हेन सी रिटायर्स, जब सी रिटायर हो जाएगा तो होगा क्या? देखो, जब सी चला जाएगा तो इतने ही प्रॉफिट्स अब सी को नहीं मिलेंगे,
दैट मीन्स ये जो सी का हिस्सा है, ये जो सी का हिस्सा है, ये अल्टीमेटली किसको मिलेगा? या तो ये जो सी का हिस्सा है, ये सी का हिस्सा या तो बी गेन करेगा या फिर ये ए गेन करेगा। किसी ना किसी को तो ये हिस्सा मिलेगा ना, जो सी छोड़ के चला जाएगा। जब सी रिटायर हो जाएगा तो उसके हिस्से के 1/3 जो शेयर के प्रॉफिट्स थे, वो प्रॉफिट्स अब किसको मिलेंगे? इवेंचुअली आइदर ए विल स्टैंड टू गेन हिज शेयर और बी विल स्टैंड टू गेन द शेयर ऑफ सी। या तो ए को शेयर मिलेगा या बी को शेयर मिलेगा, या फिर बोथ ए एंड बी विल गेन द शेयर ऑफ सी इन सर्टन रेशियो। सो कहने का मतलब ये है कि जब सी चला जाएगा तो जो सी का शेयर होता है वो ओल्ड पार्टनर्स गेन करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स गेन करते हैं। वो कोई भी पार्टनर गेन कर सकता है, वो ए भी गेन कर सकता है, वो बी भी गेन कर सकता है, वो ए और बी मिलके गेन कर सकते हैं इन अ स्पेसिफिक रेशियो और इक्वली और इन द ओल्ड रेशियो। ये बात क्लियर होगी। सो इसका मतलब ये समझ आया कि जब सी एग्जिट लेगा, जब सी रिटायर होगा, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि सीज शेयर को कौन गेन करता है, ये हमें देखना है। यानी कि वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हु इज द गेनिंग पार्टनर, हु इज द गेनिंग पार्टनर एंड हाउ मच इज द गेन बाय ईच पार्टनर। ये सबसे पहला काम हमको करना है जब सी रिटायर होगा। इसी से मिलता जुलता काम हमने किया था एडमिशन में। एडमिशन में हमने क्या कहा था कि जब सी पार्टनर आएगा तो सी पार्टनर तो गेन करेगा, लेकिन सी को हिस्सा कौन देगा? या तो वो ए अपने हिस्से में से उसको देता था या बी देता था। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम निकालते थे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट? तो सी के जाने पे जो सी का शेयर होगा वो अल्टीमेटली या तो ए गेन करेगा या बी गेन करेगा या दोनों गेन करेंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हु इज द गेनिंग पार्टनर एंड व्हाट इज द गेनिंग रेशियो। सो सबसे पहला काम मेरा ये होगा। अब एडमिशन और रिटायरमेंट के साथ साथ मैं आपको चीजें समझाऊंगा। एडमिशन के साथ साथ रिटायरमेंट वाली बातें सीखते हैं। एडमिशन में सबसे पहले हमने क्या किया था? हमने किया था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को आइडेंटिफाई और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली थी। यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम गेनिंग पार्टनर को आइडेंटिफाई करेंगे और रेशियो कौन से निकालेंगे? गेनिंग रेशियो, ठीक। सेकंड, हमने बोला था सैक्रिफाइस इज इक्वल टू क्या होता था? सैक्रिफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यही होता था ना। हम बोलते थे सैक्रिफाइस के वक्त ओल्ड शेयर बड़ा होता है और न्यू शेयर छोटा होता है, तभी ओल्ड में से न्यू को माइनस करते। यहां पर हम क्या बोलेंगे? यहां पर हम बोलेंगे गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। रिटायरमेंट के वक्त न्यू शेयर ज्यादा होगा पुराने शेयर से, क्योंकि अब हमको गेन हो रहा होगा, है ना। तो यहां पर फॉर्मूला बदल जाएगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। फिर हमने यहां पर बोला था कि अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो वो सैक्रिफाइस है, और अगर सॉल्व करते करते नेगेटिव आ जाए तो वो इवेंचुअली गेन बन जाता है। यहां पर उल्टा, यहां पर अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो वो गेन होगा बिकॉज हम फॉर्मूला गेन का लगा रहे थे, और यहां पर अगर सॉल्व करते करते नेगेटिव आ जाएगा तो ये बन जाएगा सैक्रिफाइस, ठीक। थर्ड पॉइंट, न्यू रेशो निकालते थे हम यहां पर, तो यहां पर भी हम न्यू रेशो निकालेंगे। ये सेम है, वहां पर भी हम न्यू रेशो निकालते थे बिटवीन ए बी सी, यहां पर हम न्यू रेशो निकालेंगे बिटवीन ए एंड बी सी, तो रिटायर हो गया। अब न्यू रेशो निकालने के लिए हम बोलते थे न्यू शेयर इज ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस, है ना। न्यू शेयर के वक्त हम क्या बोलते थे कि जितना पहले ए को मिलता था और उसमें से जितना उसने सी को दे दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, वो माइनस कर दो तो न्यू शेयर ऑफ ए आ जाएगा एंड सिमिलरली न्यू शेयर ऑफ बी आ जाएगा, और फिर हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे। यहां पर क्या होगा? न्यू शेयर इज ओल्ड शेयर प्लस गेन। यहां पर न्यू शेयर बढ़ जाएगा, पुराना जो मिलता था
उसके साथ साथ अब सी का भी शेयर हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज सी रिटायर हो गया, अपना हिस्सा छोड़ के चला गया, वो जिसके भी प्रति छोड़ के गया उसका शेयर बढ़ जाएगा। इसीलिए हमने यहां पर एडिशन का साइन यूज किया, एड गेन, और वहां पर हमने लेस सेक्रीफाइस किया था। क्लियर है? सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था एडमिशन में, और सेम हमारा काम है रिटायरमेंट में। ठीक है, अभी रिटायरमेंट के लिए जो हमने ये प्रैक्टिस करनी है, आज हम ये प्रैक्टिस करते हैं रेशियोज की। ठीक है, चलो ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ हाफ 2/5 1/10, हाफ 2/5 और 1/10, ये उनकी पुरानी रेशियो थी। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगी 5:4:1, है ना, एलसीएम 10 लेके, तो ओल्ड रेशो हमारे को मिल गई एबीसी की 5:4:1। तो हम यहां लिखते हैं ए बी सी 5:4:1 की ओल्ड रेशो में थे, हुआ क्या हुआ, ये फाइंड द न्यू रेशो इफ सी रिटायर्स, सी रिटायर हो गया है ना। अब देखो जब भी सी रिटायर होगा ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर ना एक सर्कल लगाता हूं, आप भी लगा लेना, याद रहेगा कि कौन रिटायर हुआ है। तो सी रिटायर हो गया, सी का शेयर कितना था, सी का शेयर था 1/10। अब जब सी रिटायर हो जाएगा सो ये 1/10 शेयर अब या तो ए को मिलेगा या बी को मिलेगा। अब ये शेयर या तो ए के पास जाना है या ये शेयर बी के पास जाना है। क्वेश्चन तो हमको बताया ही नहीं है कितना ए को मिलेगा कितना बी को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो ए और बी की आपस में रेशो थी, जो ए और बी की अपने बीच में जो रेशो थी, उस रेशो में वो सी के शेयर को गेन करेंगे। तो क्या करेंगे हम, यानी कि सी का शेयर है 1/10, 1/10 में 5:9 की रेशो में ए गेन करेगा, और सिमिलरली 1/10 जो सी का शेयर है उसको 4/9 बी गेन करेगा। क्लियर है? सो कितना गेन आएगा, 5/90 का गेन इसको मिला और 4/90 का गेन इसको मिला। हमने तब भी बात करी थी कि हम इसको काटते नहीं है एलसी, मतलब न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर्स को, हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया गेन, ये ए का गेन, ये बी का गेन। अब न्यू शेयर कैसे निकलता है, न्यू शेयर होता है ओल्ड शेयर प्लस गेन। सो एक बार आप ए के लिए निकालोगे, एक बार आप बी के लिए निकालोगे। अब ओल्ड शेयर ए का क्या था, ओल्ड शेयर ए का था 5/10, और बी का ओल्ड शेयर कितना था 4/10 यहां से। ठीक है ना, ए का 5/10 ओल्ड शेयर था और बी का 4/10 ओल्ड शेयर था। ए ने कितना गेन किया, ए ने गेन किया 5/90, और बी ने कितना गेन किया 4/90। सो अब आप एलसीएम लेके इसको बोल सकते हो, 90 का एलसीएम आ गया, ये बन गया 45+5=50, और ये बन गया 36+4=40। सो न्यू शेयर तो आ गया, न्यू रेशो क्या निकलेगी, न्यू रेशो निकलेगी 50:40 और 5:4। सो दिस इज द न्यू रेशो बिटवीन ए एंड बी आफ्टर सी हैज रिटायर्ड। क्लियर है? और क्वेश्चंस करते हैं तब समझ आएगा हमारे को। क्वेश्चन नंबर 2, राम मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स इन द रेशो 1/5, 1/3 एंड 7/15। तो लिखें इसको, राम मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 1/5, 1/3, 7/15। ऐसे लिख लेते हैं 1/5, 1/3 एंड 7/15। ओके, सोहन रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय राम एंड मोहन इन द रेशो ऑफ 3:2। क्या बोल रहे हैं कि सोहन रिटायर हो गया, यानी कि ये चला गया, सोहन जिसका 7/15 शेयर था ये रिटायर हो जाता है। अब इसका शेयर या तो राम को मिलेगा या मोहन को मिलेगा। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला
कि हिज शेयर इज टेकन अप बाय राम एंड मोहन इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये कौन सी रेशियो दी हुई है आपको? गेनिंग रेशियो दी हुई है 3:2। वो ये बोल रहा है कि इस शेयर को 3:2 की रेशियो में राम ने और मोहन ने गेन कर लिया। तो फिर राम को क्या मिला? राम को मिला 7:15 का 3:5 इस रेशो में, और मोहन को क्या मिला? 7:15 जो सोहन का शेयर है वो 2:5 की रेशो में मोहन ने गेन किया। ये कितना बन जाएगा? 21/75 एंड 14/75। तो ये राम का गेन, ये मोहन का गेन। अब क्वेश्चन ने हमसे मांगी है न्यू रेशो, तो न्यू रेशो निकाल लेते हैं राम और मोहन की। न्यू रेशो क्या होती है? न्यू रेशो इज, मतलब पहले न्यू शेयर निकलेगा, न्यू शेयर इज ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो ओल्ड शेयर कितना है? 1/5। गेन कितना है? 21/75। इधर 1/3 प्लस 14/75। करो सॉल्व, एलसीएम बनेगा 75, ये बन जाएगा 36 और ये बन जाएगा 39, है ना। सो रेशो क्या बन गई? रेशो बन गई 36:39। इसको और छोटा कर सकते हो आप, 12:13। सो न्यू रेशो बिटवीन राम एंड मोहन कितनी आई है? 12:13। ठीक है, और चले आगे। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एस एम एच आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 5:5:4। चलो, एस एम एच आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 5:5:4। एम रिटायर्ड एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन एस और एच। एम रिटायर हो जाता है, कौन रिटायर हो रहा है? एम। और एम रिटायर हो रहा है, अपना शेयर वो एस और एच को इक्वली देके जा रहा है, आधा आधा। तो एम रिटायर हो रहा है, एम का शेयर कितना है? 5:14। और 5:14 शेयर वो एस और एच के बीच में इक्वली डिवाइड करके जा रहा है। सो इसका मतलब एस को क्या मिलेगा? एस को मिलेगा 5:14 का हाफ इक्वली ऑफ दिस शेयर इक्वली, यानी कि इस शेयर को आधा आधा बांटना है। सो 5:14 इक्वली, है ना। सो 5:28 इसका गेन, 5:28 इसका गेन। और अब हमारे को निकालनी है न्यू रेशो, तो न्यू रेशो निकलेगी एस और एच की। वो कैसे निकलेगी? न्यू शेयर इज ओल्ड शेयर प्लस गेन। ओल्ड शेयर कितना है? 5:14 और यहां पर 4:14। यहां पर 5:28 ऐड हुआ, यहां भी 5:28 गेन ऐड हुआ। ये कितना आ गया? 15:28 एंड 13:28। सो रेशो क्या बन गई? रेशो बन गई 15:13। सो दिस इज द न्यू रेशो बिटवीन एस एंड एच। ठीक है, इसके बी पॉइंट को अभी स्किप कर देते हैं, कर चुके हैं हम, बट अभी फिलहाल इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें आपको ओल्ड रेशो दी है, न्यू रेशो दी है, आपको गेनिंग रेशो निकालनी है। इसको पढ़ते हैं। के एम एस आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 4:3:2। चलो, के एम एस 4:3:2। के रिटायर्स assuming that MNS will share the profits in the future in their ratio of 5:3। तो ये क्या है? ओल्ड रेशो। ये क्या है? न्यू रेशो। तो न्यू रेशो बिटवीन MNS, क्या बोला? K तो रिटायर हो गया, तो M और S की जो न्यू रेशो है वो है 5:3। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है गेनिंग रेशो निकालो। तो जब आपके पास ओल्ड रेशो हो और जब आपके पास न्यू रेशो हो, तो आपको क्या निकालना है? गेन निकालना है। तो गेन का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? गेन इज न्यू बड़ा होगा कि ओल्ड बड़ा होगा? न्यू बड़ा होगा, क्योंकि ओल्ड तीन लोगों में बंटता था
और जो न्यू है वो सिर्फ दो लोगों में बटना है, सो सबके हिस्से ज्यादा आएगा। तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। चलो अब ये गेन हमने सबके लिए निकालना है, मतलब एम के लिए भी निकालना है और एस के लिए भी निकालना है। निकालो एम, न्यू शेयर एम का कितना है 5/8 और इसका कितना है 3/8। ओल्ड शेयर कितना था एम का, एम का ओल्ड शेयर था 3/9 और एस का था 2/9। सो अब आपके पास आ गया गेन, एलसीएम कितना आ जाएगा 72, ये बन जाएगा 45-24 एंड दिस इज 27-16। बोलो कितना आया ये, 45 में से 24 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 21, और यहां कितना बचेगा 11। ये आ गया इसका गेन, ये आ गया इसका गेन, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है तो ये गेन है। गेनिंग रेशो क्या बनेगी 21:11, तो ये आ गई गेनिंग रेशो बिटवीन एम एंड एस। ठीक है आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जो बीच के क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं वो सेम है, सिमिलर है, वो आपसे हो जाएंगे। ऑन 1st of July ए बी सी वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5/10, 3/10, 2/10, 5:3:2 की रेशियो थी ए बी सी की। सो ए बी सी 5:3:2 की रेशियो में पार्टनर्स थे। ऑन दिस डेट बी रिटायर्स एंड द न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी इज 3/2। बी रिटायर हो गया और अब ए और सी की रेशो क्या है 3:2। आपसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है, गेनिंग रेशो। सेम मैंने क्वेश्चन अभी किया है, अब इसको आराम से करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा गेन। गेन क्या होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ये है ओल्ड शेयर और ये है न्यू शेयर। तो गेन किसके निकालेंगे हम, ए का और सी का। निकालो व्हाट इज न्यू शेयर 3/5, 2/5। व्हाट इज ओल्ड शेयर 5/10, 2/10। सॉल्व कर लो 1/10 एंड 2/10। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव आए हैं इसलिए रेशो बन गई 1:2। सो दिस इज दी गेनिंग रेशो, है ना, सिंपल। आगे चलते और क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 4:3:2, ये आ गई ओल्ड रेशो। सी रिटायर्स फ्रॉम बिजनेस, कौन चला गया, सी चला गया, तो हम इसको मार्क कर देंगे, सी चला गया। A is acquiring, ध्यान से पढ़ना, A is acquiring 4/9 of C's share. A कहता है जितना C का शेयर है उसका 4/9 मैं ले लेता हूं और जो बचेगा बैलेंस वो भी तू ले ले। ठीक है, तो क्या बना, C का शेयर कितना है, C का शेयर है 2/9, राइट। सी के शेयर में थोड़ा ए के पास चला जाएगा और थोड़ा बी के पास चला जाएगा। ए क्या कह रहा है, ए कहता है कि 4/9 ऑफ सीज शेयर मैं ले लेता हूं, तो फिर बी को क्या मिलेगा, अगर सी के शेयर का 4/9 ए को मिल गया, यानी कि सी के शेयर के हमने 9 टुकड़े किए, 4 टुकड़े हमने ए को दे दिए, तो फिर बी के पास कितने टुकड़े आएंगे 5। इसका मतलब 5/9 ऑफ सीज शेयर किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। ये बात क्लियर है। उसने बोला जो सी का शेयर है इस शेयर को हम ए और बी में बांट देंगे। ए बोलता है कि 4/9 ऑफ सीज शेयर, सी का शेयर कितना है 2/9,
उसका 4/9 मुझे दे दो। तो फिर अगर 4 out of 9 ए को दे दिए तो 5 out of 9 किसको मिलेंगे? बी को मिलेंगे। ठीक है, बैलेंस। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो गेन आ जाएगा आपके पास। कितना आएगा ये सॉल्व करके? 8/81 and 10/81। तो ये आ गया गेन। गेनिंग रेशो तो ये रही ना, ये गेनिंग रेशो दी हुई है आपको 4:5, तो गेनिंग रेशो है। साफ साफ पता चल रहा है कि सी के हिस्से को 4 और 5 की रेशो में बांटा गया है। सो गेनिंग रेशो तो बहुत सिंपली दे रखी है, गेनिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी इज 4:5। इसको सॉल्व नहीं करना आपने, हमें क्या निकालना है? न्यू रेशो। तो न्यू रेशो यानी कि न्यू शेयर इज ओल्ड शेयर प्लस गेन ए एंड बी। ओल्ड शेयर कितना है ए का? 4/9। सी ए और बी का कितना है? 3/9। इसमें ये गेन्स ऐड कर दो, ये कितने गेन्स हैं? 8/81, 10/81। सो सिंपल, तो सॉल्व करो, 44/81 ये आ जाएगा और 37/81 ये आ जाएगा। सो दिस इज द न्यू रेशो, 44:37 और गेनिंग रेशो इज 4:5। ठीक है, न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो इज 4:5। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। सीता गीता मीता वर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 7:6:7। चलो, सीता गीता मीता 7:6:7 के पार्टनर्स थे। गीता रिटायर हो गई और हर शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन सीता एंड मीता। चलो, गीता रिटायर हो गई यानी कि उसका शेयर कितना है? 6 out of 20। और इस शेयर को सीता और मीता ने आपस में इक्वल बांट लिया। इसका मतलब 6/20 का आधा इसको मिल गया, 6/20 का आधा इसको मिल गया। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये? यहाँ पे आप काटना चाहते हो तो आप काट भी सकते हो, यहाँ बनेगा 3/20 and 3/20। सो अगर आपसे पूछा जाए गेनिंग रेशो क्या है, तो गेनिंग रेशो तो यहीं पे आपको पता चल गई थी, हाफ हाफ यानी कि 1:1 की रेशो है गेनिंग। आपसे गेनिंग रेशो नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा? न्यू रेशो। तो न्यू रेशो कैसे निकलेगी? न्यू शेयर इज ओल्ड शेयर प्लस गेन, सीता के लिए भी और मीता के लिए भी। ओल्ड शेयर 7/20, 7/20, 3/20, 3/20, 10/20, 10/20। इसका मतलब 1:1 गेनिंग रेशो भी इक्वल, न्यू रेशो भी इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ए बी सी डी चार पार्टनर्स थे 5:3:2:2 की रेशो में। ए बी सी डी 5:3:2:2। बी एंड सी बोथ रिटायर्ड, दोनों रिटायर हो गए, बी भी चला गया और सी भी चला गया। आगे बोलता है बीज शेयर वॉज एक्वायर्ड बाय डी। कहता है बी का शेयर किसको मिल गया? डी को मिल गया। एंड सीज शेयर वॉज एक्वायर्ड बाय ए, और सी का शेयर किसको मिल गया? ए को मिल गया। तो बी का पूरा शेयर का गेन है डी को, और सी के पूरे शेयर का गेन किया है ए ने। ठीक, कैलकुलेट द न्यू रेशो बिटवीन ए एंड डी। तो सी का शेयर ए को और बी का शेयर डी को। तो सीधा सीधा हमें क्या निकालना चाहिए? हमें निकालना चाहिए न्यू शेयर। न्यू शेयर इज ओल्ड शेयर प्लस गेन। हमें ये निकालना है किस किस के लिए? ए के लिए और डी के लिए। ए का ओल्ड शेयर कितना है? 5 out of 12 और डी का है 2 out of 12। गेन क्या हुआ था? ए के पास सी का हिस्सा आया है, यानी कि सी का हिस्सा ए के पास गया 2/12 और बी का हिस्सा डी के पास गया 3/12। तो ये बन गया 7/12 और ये बन गया 5/12। तो न्यू रेशो क्या बन गई? 7:5।
ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है और लैंग्वेज के हिसाब से जो वो बोल रहा है वैसा आपको करना है।